सुबह बखैर अम्मी। तुम्हें भी मेरे बेटे, थकान उतर गई तुम्हारी? जी हाँ, काफी बेहतर हूँ अब। मलिका, शहजादे, मैंने तो सुना था कि आप जख्मी हो गए थे। क्या, कैसे जख्मी? दुश्मनों से जंग करते वक्त हो गया था, लेकिन डरे नहीं, कोई बड़ा जख्म नहीं था, अब तो ठीक भी हो गया। ऐसा सोचकर ही खौफ आता है मुझे, अगर तुम्हें कुछ हो जाता क्या करती मैं? मैं ठीक हूँ अम्मी। मुस्तफा मेरे बेटे, एक वादा करो मुझसे तुम, आज के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, पहले अपने बारे में सोचोगे, अपनी हिफाजत करोगे और बिल्कुल दूर रहोगे खतरों से। मैं अपना ख्याल रखूंगा, इजाजत दीजिए। गुलशा, मुस्तफा के लिए एक महफिल मुनक्किद करना चाहती हूं मैं, कुछ तबीयत बहल जाएगी मेरे शेर की। मेरे आका, मुझे याद किया आपने। जो बात तुमने मुझसे पोशीदा रखी, वो तुम्हें ताकतवर बनाने के बजाय बुज़दिल बना देगी इब्राहिम। बगावत के मसले का कह रहे हैं तो वजाहत करने की इजाजत दीजिए। वजाहत नहीं मांगी इब्राहिम, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे पोशीदा रखने की? आपकी खातिर मेरे आका, ये बात काफी हसास है, मालूम ही हम सफर कर रहे थे, इस तरह के वाक्य का बताकर आपके जहन को भटकाना नहीं चाहता था मैं। और वैसे भी मलिका अब काफी सेहतयाब हो गई हैं। उरम को क्यों लिखा तुमने? क्या मकसद था? छुपाना चाहते थे इस मसले को, जबकि मैंने तुम्हारे सुपुर्द किया था उरम की जान को। मैंने कहा था अगर उसे ठोकर भी लगी तो तुम जिम्मेदार होगे। क्या ऐसे होती है हिफाजत? मैं ये मसला अब तक पहुंचने से पहले हल करना चाहता था, क्योंकि आपको दोनों तरफ की आग के दरमियान छोड़ नहीं सकता था मैं। दोनों तरफ की आग कैसे? मालूम है, मलिका को यकीन है कि इस हमले के पीछे वालदा सुल्तान का हाथ है मेरे आका। मैं इसका सोच भी नहीं सकता, लेकिन अगर ये बात सच है तो ये मसला मेरी पहुंच से बाहर है आका। नरगिस, तैयार हो जाओ। अनम, तुम भी तैयार हो जाओ। नोरा, तुम भी तैयार हो जाओ। आज शाम शहजादे के लिए महफिल में शिरकत करोगी तुम? मैं भी? हाँ, क्यों नहीं, हैरान क्यों हो गई? क्या शहजादे का सामना नहीं करना चाहती हो तुम? मैं क्यों नहीं चाहूंगी, एहसास होगा मेरे लिए। तो ठीक है, चलिए बाकी सब अपने अपने काम कीजिए। महफिल का मौका कहां से आ गया? तुम्हें इससे क्या वास्ता? वालदा सुल्तान को खबर है क्या? तुम्हारा क्या वास्ता इससे दाया खातून? जाओ अपनी जगह पर बैठकर शुक्र अदा करो खुदा का। तुम कौन होती हो मुझसे ऐसे बात? असल में तुम कौन हो? हरम का निजाम अब मैं चला रही, भूल गई हो तुम क्या? जाओ यहां से, अब दिमाग मत खराब करो मेरा।
मोहतरम पाशा, आका मुझसे मिलना चाहते हैं क्या? जी हाँ बिल्कुल, वो आप ही के मुंतजर हैं। मेरे साथ आओ। मेरे आका। आई बेगे खातुन, तुम्हारे बाबा की दुआएं लाया हूं। बहुत याद करती हूँ बाबा को। कैसे हैं वो? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक पाया था उनको। कुरम रवाना कर दिया है मैंने और तुम्हारे बाबा को कुरम का शाह तैनात कर दिया है। अब वो तन्हा तख्तनशीन होंगे। अगर ऐसा है तो अब मैं अपने घर जा सकती हूँ? अभी नहीं, पहले सूरत हाल को मामूल पर लाने की जरूरत है। अमन व अमान होने के बाद जरूर जाओगी तुम इंशाल्लाह। जैसा आपको मुनासिब लगे आका। इसके अलावा बाबा ने तुम्हारे लिए एक तोहफा भी भेजा है। मेरे आका। आओ मालकुचु। आए बेगी को साथ ले जाओ ताकि किराए खान का तोहफा देखे। जी बेहतर मेरे आका, आइए। क्या है ये बगावत का मामला? हुरम सुल्तान क्या सच कह रही है? वालदा का किया धरा है क्या ये सब? इसके सिवा क्या मुमकिन है पाशा? कोई और जुर्रत कर सकता है? मैंने देखा है दाया खातून को यूं ही नहीं निकाला गया। क्यों ना हिफाजत की तुमने? तुम्हें को उनकी हिफाजत पर मामूर किया था मैंने। गुलागा और मुझे जबरदस्ती रोका गया हिफाजत की महीनों तक, लेकिन हादसे की रात हम दोनों के हाथ पांव बांध दिए गए थे। गुलागा को उन लोगों ने कैद कर दिया था और मुझे माहिदौरा सुल्तान के कमरे में जबरदस्ती रोक लिया गया। समझ गया। वालदा सुल्तान से मिलना चाहता हूँ, जाकर बताओ। पाशा, कितने अरसे से आपकी राह देख रही हूँ मैं। हसरत थी आपकी, शुक्र है कि आप लौट आए। मेरा इंतजार करना आज रात। मेरा हाल अहवाल नहीं पूछेंगे? कितने अरसे बाद मुलाकात हुई है। कोई सुनेगा तो समझेगा आपको मोहब्बत हो गई। ये खुशफहमी है आपकी, मुझे क्यों होगी मोहब्बत? लेकिन लगता है आपने बहुत याद किया मुझे। जब से आए हैं बार बार दालान में आकर ढूंढ रहे हैं किसी को। कोई ऐसी बात नहीं, वैसे ही हवाखोरी को गया था दालान में। अच्छा, मेरा तोहफा कहाँ है? तुम्हारा बहुत शुक्रिया मालकोचू, मैं बहुत खुश हूँ। नोरा खातून, खैर तो है? क्या कर रही हो तुम यहाँ? आज शाम शहजादे के लिए मैं रक्स करूंगी आगा। अच्छा ये बात है, बहुत अफसोस है तुम पर। कैसी एहसान फरामोशी की है मलिका से। अफसोस, बेकसूर कहती हो खुद को। क्या तुम्हें ज्यादा नवाजा गया है? मैं बिल्कुल बेगुनाह थी, फिर भी रुस्वा किया मुझे। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, बातें कर रहा हूं। इसकी जान छोड़ दो, दूर रहो इससे। घिनौने खेल का अलग का ना बनाओ इसे। ये मेरा हुक्म है गुलागा, अभी जाओ सुंबुल के साथ, तैयार कराओ कनीजों को। Thank you.
वालिदाए सुल्तान खुशामदीद। तुमको भी खुशामदीद। खजीना की परेशानी खत्म हो जाएगी, बहुत अकेली रह गई थी। कहो क्या बात करनी है? वालिदा, आका से मुलाकात हुई, जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बहुत फिक्रमंद है वो। हरम की बका और उसके निजाम के लिए बहुत परेशान है। अगर आपने फौरन सूरत हाल पर काबू ना पाया तो वो ऐसे फैसले कर सकते हैं जिनसे आपको दुख पहुंचे। महल बदर कर देंगे क्या, या फिर हुरम संभालेगी हरम को? ये दुश्मनी फौरन खत्म होनी चाहिए वालिदा, या फिर कम से कम देखने वालों को ऐसा ही लगे। तुम्हारे जहन में क्या है? आका और हुरम सुल्तान को इशाइये पर मधु किया है, आप भी तशरीफ लाएं तो बहुत अच्छा होगा। आका की नजरों के सामने इस मसले को प्यार से हल करना चाहिए, क्या ख्याल है आपका? पहले ऐसे हाथों को हरकत दो और फिर ऐसे लहराते हुए नागन की तरह बल खाते हुए तुम्हें शहजादे की आंखों में देखना है, और फिर तुम ऐसे ही करना और ऐसे दिल को धड़काना अपने, धूम 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 धूम। समझ गई ना तुम लोग? बिल्कुल ऐसे ही लहराते हुए अचानक शहजादे की आंखों में झांकना है तुम्हें, फिर उन आंखों के अंदर उतरती चली जाना। ऐसे क्यों देख रहे हो भाई बेवकूफ कहीं के? रक्स इसे कहते हो? मुझे दो जगह, चल चल हट। सबसे अहम चीज जुबान है जिस्म की। तुम्हारी आंखें क्या कहती हैं वो, और तुम्हारे हाथ क्या कहते हैं वो? नीचे से ऊपर तक जिस्म का हर हिस्सा अपने आप लहराते हुए खुद काम करता है। बस आप इसे ढीला छोड़ दें, फिर आप इसके कमालात देखिए। ऐसे ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे ठुमके लगाना और फिर ऐसे हाथ लहराना। समझ गई ना? ऐसे लहराना है और ऐसे बल खाते हुए ठुमके लगाना तुम लोग। क्या बकवास है! अरे भाई, क्या इसे रक्स कहते हो तुम? हटो एक तरफ, हटो। जैसे बताया है ना मैंने, वैसे ही तुमने करना है। बिल्कुल वैसे ही बल देने हैं। थोड़ा सा जिस्म को बाएं और फिर थोड़ा सा जिस्म को दाएं, और फिर इस तरह से कमर को ऐसे हिला के ठीक शहजादे की आंखों में। एक बेहुदा शख्स से रक्स कभी भी नहीं सीख सकती तुम लोग। चल हट, खामोश, तू खामोश है। समझ गई ना? तुम लोग साथ रक्स करोगी, बिल्कुल एक साथ। फिर समझ लो, देखो पहले आगे फिर पीछे, और बाएं फिर दाएं, बस ऐसे। तू क्या रक्स सिखाएगा इन्हें? क्या, चल है तू हट, तुझसे तो ठुमके लगवा लो बस। ये ऐसे नहीं किया जाता, ऐसे किया जाता है। ये लिया, ये दिया, ये लिया, ये दिया, ये ए, ये तो, ये लो, ये दो, ये लो। ऐसे रक्स करना है तुम लोगों ने, बिल्कुल ऐसे दाएं बाएं, और फिर बाद में सीधे शहजादे के पास। गुलशन, उसका क्या काम है यहाँ? क्या हुरम की कनीज नहीं है वो? हुरम सुल्तान ने महल आते ही उसे आड़े हाथों लिया और निकाल दिया। 2 महीनों से उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैंने खास तौर पर उसे मुंतखब किया है। हुरम सुल्तान उसे हमारे साथ देखकर बहुत तैश में आएगी। ठीक सोचा तुमने। शहजादे। खैर तो है गुलचा, ये क्या हो रहा है? माहिदौरा सुल्तान ने आपके लिए एक महफिल मुनक्कद की है, मुंतजर है आपकी।
आका खुशामदीद, आपका आना मेरे लिए एक एहसास है। खजीना, बहुत प्यारी लग रही हो। आका, हुरम, कैसी हो? बस ठीक हूँ शहजादी, आपके सामने हूँ। आइए अंदर तशरीफ लाइए। वालिदा को भी हमने दावत दी है आका, तशरीफ लाकर उन्होंने एजाज बख्शा है हमें। वालिदा, मुनासिब समझे तो तनावल किया जाए खाना। ये सब चीजें खुसूसी तौर पर आपके लिए तैयार करवाई हैं। शहजादी ने अपनी निगरानी में बनवाई हैं। बहुत लजीज है माशाल्लाह। जी आपका बहुत शुक्रिया। क्या तुम्हें भी पसंद आए हुरम? बहुत पसंद आए, आपका शुक्रिया शहजादे। बहुत अरसा गुजर गया एक साथ बैठे हुए, आज बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ये तो है, हादसात ने पै दर पै वार चुकी है। ये बातें पुरानी हो चुकी हैं हुरम, ठीक कहा ना वालिदा? ठीक कहा,
मेरी भी यही तमन्ना है, लेकिन कोई उम्मीद नहीं मुझे। खासतौर पर महल में होने वाले निकाह के बाद तो अल्लाह हमारे खानदान को कोई और दुख ना दिखाए। आपका इजाजत दे तो महल वापस जाना चाहूंगी। अपने ऊपर ना लो हुरम, हम लोगों का ही जाती मसला है। हुरम मेरी जात का मसला है, आप जानते हैं। आप हुरम को कबूल करें या ना करें, यह एक नाकाबिले फरामोश हकीकत है। मेरी अब कोई जगह नहीं इसमें। इस पर वालिदा, फजूल परेशान मत हो पाशा, मैं उसके सामने नहीं झुक सकती। कोई आपसे ऐसा कुछ भी नहीं चाहता वालिदा। कोई भी कुवत मुझसे ये कभी नहीं करवा सकती। वालिदा, आपका ये रवैया किसी के लिए भी सूदमंद ना होगा। आका आपसे दूर और उससे करीब होते जाएंगे। बेटे ने तो पहले ही खत्म कर दिया है, अफसोस हुरम उसे अपनी मुट्ठी में ले चुकी है। आका, आपकी पसंद का हलवा बना है, क्या खाना पसंद फरमाएंगे? बस और गुंजाइश नहीं। तुम ही दूं हुरम? नहीं, रहने दें। बच्चे कैसे हैं? नजर नहीं आए, सो रहे हैं। चाहो तो देखने चले। क्यों नहीं मेरे आका। हम ऊपर जा रहे हैं। आका, माफी चाहता हूं। वालिदाए सुल्तान से इस मसले को सुलह जुई से हल करने का कहा था मैंने। कुछ लोग हद से ज्यादा जिद्दी होते हैं पारगली, तुम उन्हें तब्दील करने के लिए जितनी मेहनत करोगे उससे ये लोग और जिद्दी हो जाएंगे यकीनन। हाय माशाल्लाह, सबके चेहरों पे मुस्कान बिखरी हुई है। शहजादे को जो देख लिया है कैसे नहीं मुस्कुराएंगी? अच्छा तो सब मुस्कुराती रहो फिर, खास करके तुम नौरा। अरे भाई, तुम्हारे ऊपर किस्मत मेहरबान है। क्या हुआ आगा? शहजादे ने अपने लिए पसंद फरमाया है तुम्हें। कल शब उनकी खिलवत में जाने का मिलेगा तुम्हें शर्म। बैठ जाओ तुम लोग भी। ए मुकर्रब खास, ये खामोशी खत्म करें, बताएं भी क्या हुआ आखिर। जाने दो मतक जी, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता मैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप, बताइए ना। कोई खातून है,
अरे क्या कह रहे हैं? खूबसूरत खातून है, बहुत बहादुर, बहुत निडर। कौन है वो? एलेनिका तो नहीं है ना? है? वो नहीं। मैं जानना चाहता हूँ आखिर वो बेचारी खातून कौन है। कुछ होना तो नहीं है, वैसे ही बात कर रहा हूं। भला क्यों नहीं होगा? आर्मी दिल से नहीं निकलती मतरक जी, मोहब्बत सच्ची थी उसकी। आर्मीन से जैसे बेवफाई कर रहा हूं ये लगता है मुझे। आर्मीन मर चुकी है मालकोचो, कतई खुद को कसूरवार मत समझे, वो भी आपकी खुशी ही चाहती थी। आई बी की खातून, क्या बात है? खैर होगी इंशाल्लाह रात के इस वक्त। मुकर्रबे खास कहाँ है? मुझे काम था उनसे जरूरी। बहुत देर से कहीं गए हैं, आका यहाँ नहीं है तो कहाँ गए हैं? यकीनन मैखाने गए होंगे, मालूम ही है एलिनेका के पास। इजाजत चाहूंगा। पाशा, आपके आने की खबर ही नहीं हुई, बुलाया क्यों नहीं? ऐसे ही चक्कर लगा लिया, बस जाएंगे। बहुत याद आते हैं आप पाशा, कब ये हसरत खत्म करेंगे? अब इनकी उम्मीद ना रखना है लेने का, किसी के जुल्फों के असीर हो गए ये। ऐसा कुछ भी नहीं है, मजाक कर रहा है। नामुमकिन है, इन्हें कोई नहीं ले सकता मुझसे। इतना ही भरोसा है तो निकाह कर लो ना इनसे। हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। चलो घर चलते हैं मतरक जी, शादीशुदा आदमी हो तुम, बीवी की डांट ना खा लेना, अपने घर जाओ। कहीं भी नहीं जाना मुझे, अब से मेरा घर यही है। इब्राहिम पाशा ने मुझे बर्बाद कर दिया। क्या मतलब तुम्हारा? कुछ नहीं, जाने दो, ऐसे ही कह दिया। आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया पाशा, आप ही के लिए है ये सवरना। क्या बहुत चाहती हो मुझे तुम? जान से ज्यादा चाहती हूं आपको। आपसे मिलने का बहुत इंतजार था मुझे। Sirke çok dolumluydu.
मलिका, क्या हुआ? कहो, महफिल कैसी रही? मैं कामयाब हो गई। शहजादे ने मुझे मुंतखब कर लिया। कल शब खलवत में बुलवाया गया है मलिका। आफरीन नौरा, तुम बाएतमाद हो, मैं जानती थी। कल जरूर मेरे पास आना, एहतियात करना, तुम्हें कोई देख ना ले। चलें, जल्दी उठाएं, चलें। अंधी हो क्या तुम? नजर नहीं आता? माफ कर दीजिए, अभी साफ करती हूँ। माफी मांगती हो? हाँ, तुम्हें जान नहीं है क्या? चिल्लाओ मत लड़की, उठा तो रही है ये। वो नहीं, तुम साफ करोगी इसे। क्या कहा तुमने? सुना नहीं क्या? फौरन सफाई करो यहाँ से, सारा फर्श चमकता हुआ नजर आए। छोड़ो तुम इसे। बल्कि ये भी साफ करोगी तुम। गुलशा, तुम्हें मैं हुक्म देती हूँ, मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी करोगी तुम क्या? पूछ लिया मैंने, सब गुलागा का ही नाम ले रहे, तुम्हारा नाम समझ आए तुम्हारे? मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, झूठ मत बोलो मुझसे। झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? आगा रुके, आप नहीं आ सकते। खैर तो है, सफाई हो रही है क्या? सफाई नहीं हो रही, मना किया गया है। अपना काम करो जाकर। मना और हम लोगों को? वल्ला गुलशा खातून ने हुक्म दिया है, नहीं आ सकते। ये गुलशा अपनी औकात से बाहर हो रही है। ये पहली बात तुमने सही कही, मनहूस है। आगा, मैं कसम खाता हूँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। आप जाइए और अपना मसला गुलशा खातून को बताइए, समझिए। चलो चलते हैं यहाँ से। सबको सुबह बखैर। ओ, देखो तो कौन आया है। ताया खातून, आप ये क्या कर रही हैं? अपना काम कर रही है। बहुत अफसोस हो रहा है तो तुम मदद कर दो। जरा भी शर्म है तुमको? क्या ये इनके करने के काम है? माँ के बराबर है तुम्हारी। निगार, बीच में मत बोलो। आपने मना क्यों नहीं किया? ये मेरे हुक्म को इनकार करने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें इसका हिसाब लूंगी मैं। तुम लोगों को इसका हिसाब जरूर देना होगा। जहन्नुम में जाओ तुम, जिसे मर्जी शिकायत करो। जमरुद, कल रात की महफिल कैसी रही? महफिल बहुत शानदार थी मलिका, कोई मसला नहीं हुआ। मुस्तफा मुतमईन हो गया क्या महफिल से? जी हाँ मलिका, खवातीन में से खातून ने ऐसा रक्स किया कि आज रात शहजादे ने उसे खिलवत में बुलवाया है। कौन है वो? कौन सी कनीज है? नौरा। मतलब कि नौरा? तुम बहुत गौर से और हमातनगोश होकर मेरी बात सुनो नौरा। शहजादे मुस्तफा के कमरे में जाना अहम है, लेकिन इससे ज्यादा अहम है उसके दिल में उतरना और रच बस जाना। आज की रात तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। या तो एक मलिका बनोगे तुम, या फिर एक मामूली सी कनीज। आज के बाद बहुत एहतियात करनी होगी।
لبیرت نچت تنیا چکی تو امانن جسد پاک بوند جوان یکت اگر بتوانی باش امانه بکر بینید تنانت اگر چیاش بیت لبرم برد دخوی نگرد مصطفی کو اپنا گرویدا بنانا ہے تم نے اس کی آنکھیں تمہارے سوا کچھ اور نہ دیکھیں وہ تمہاری خاطر سب کچھ کرے اور اس طرح سے میں مصطفی کو اپنے قابو میں رکھوں گی آپ فکر نہ کریں ملکہ آج رات کے بعد شہزادے مجھے کبھی نہیں بھول پائیں گے تم پر اعتماد کرتی ہوں اس خدمت کا صلہ تمہیں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ ملے گا خاص لباس صرف تمہارے لیے اسے پہنو گی تم آج کی رات بہت پرکشش نظر آؤ گی تم کیا کیا تم نے اب کیا ہوگا جو بھی ہو میں آپ کو ایسے نہیں دیکھ سکتی دایا خاتون شاباش ہے آپ کو منع کیوں نہیں کیا اسے قائد قانون جو ہے نگار کیا اب بھی نہیں سمجھی تو آپ کے علاوہ ان قائدوں پر کوئی بھی نہیں چلتا دایا خاتون زیادہ مت بولو اور دور ہو جاؤ یہاں سے بالکل نہیں جو کچھ بھی ہوگا دیکھ لیں گے ہم ویسے کیا تھپڑ مارا آپ نے میرے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی مزہ آ گیا قسم سے جاؤ ورنہ تم پر بھی مصیبت آ جائے گی پرواہ نہیں اس کی اس کا حکم ماننے سے بہتر ہے مجھے قید مل جائے دایا خاتون نگار کالفا والدہ سلطان نے آپ کو یاد فرمایا ہے مقرب خاص آئی بی کے خاتون اور کتنی بار کہوں آپ سے مناسب نہیں ہے یہاں آپ کا ایسے آنا اگر کچھ چاہیے ہو تو خبر بھجوا دیا کریں تم کل رات موجود نہیں تھے کہاں گئے تھے کام سے گیا تھا رات کے وقت کون سا کام تھا وہ اس سے کوئی تعلق نہیں آپ کا یقیناً ایلینکا کے پاس ہی گئے ہوگے تم جانتی ہوں سفر سے لوٹے ہو عرصے سے اس کی حسرت ہوگی تمہیں چلیں اسی کے ساتھ تھا اس سے آپ کو کیا جلن ہو رہی ہے آپ کو گلشن نے جو بتایا کیا وہ سچ ہے تھپڑ مارا تم نے اور وہ بھی ساری کنیزوں کے سامنے والدہ جو پوچھا ہے وہ بتاؤ جی صحیح ہے مجھے بتاؤ تمہیں اس کی کیا سزا ملنی چاہیے کیونکہ اس موضوع کو تم اچھی طرح جانتی ہو محل سے نکال دیا جانا جب ایسا ہی ہے تو تمہیں نکال رہی ہوں سامان باندھو اپنا کل صبح تک یہاں سے رخصت ہو جاؤ تم والدہ سلطان ان کا قصور نہیں ہے آپ اجازت دیں تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اور جو قائدے ہیں وہ اپنا فرض ادا کریں والدہ سلطان والدہ معاف کیجیے گا یہ سمجھ نہیں سکی ہوں آپ نے ایسا کیوں کیا آپ کی وفادار ہیں دایا خاتون
मुझसे दाया खातून की हिमायत ना करो गुलफाम। उसने ऐसा बड़ा गुनाह किया है कि मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। मलिका, क्या हुआ? अपनी सफाई दिए बगैर ही चली जाओगी क्या तुम? क्या कर सकती हूं मैं, सुबह को जाना है, यही सबके लिए बेहतर है। बेहतर नहीं है ये किसी के लिए भी। 40 साल आपने इस हरम की खिदमत की है, ऐसे सब कुछ छोड़कर कहां जाएंगी आप दाया खातून? मैं कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूंगी। सामान निकालकर वापस जगह पर रखो, कहीं भी नहीं जाओगी तुम। मलिका, सजा नहीं मिलनी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल नहीं, बल्कि तुम तो इनाम के मुस्तहिक हो। इस हक तलफी पर मैं खामोश नहीं रहूंगी, और वो भी गुलशा की वजह से, कभी नहीं। गुलशा, फौरन यहां आओ। आओ। हुरम सुल्तान, मेरे मुकाबले कभी नहीं आओगी, ये तुमने कहा था मुझसे। अब तुम किस तरह मेरे मुकाबले आ गई? मैंने किया आपके साथ। दाया खातून से दूर रहोगी तुम। अब आइंदा अगर तुम्हारी किसी बदतमीजी का सुना मैंने, तो तुम्हें छत से उल्टा लटका दूंगी। हर आने जाने वाला तुम्हारे मुंह पे थूकेगा। फौरन वालिदा के पास जाओ, इस गलती को सही करो, वरना इस चूहे जैसी शक्ल को बिगाड़ कर रख दूंगी। याद करना, आज रात तुम्हारी आखिरी रात भी हो सकती है। बिल्कुल फिक्र ना करें आप। दिखाओ अपना कमाल। ठीक है सब। तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? पूरे हरम को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। क्या तुम फैसला करोगी क्या सही है क्या गलत? आहिस्ता बोलो, समझ गई? आहिस्ता नहीं बोलूंगी अब, इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। शहजादे की ताकत से हुरम मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी। अल्लाह तुम पर अफसोस होता है, एक औरत के लिए कितनी अफसोसनाक सूरत हाल है ये। अंधी हो तुम, देख नहीं रही? इस तरह तो मुस्तफा के लिए भी तुम मुसीबत खड़ी कर दोगी। क्या कह रही है?
इसी लम्हे हुरम से माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांगो। चले जाओ तुम मुस्तफा, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाए। मेरे आका, चले जाओ फौरन, तुम्हें देखना नहीं चाहता मैं। शहजादे, सुलेमान, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। क्या मेरी वजह से मुस्तफा ने गुस्ताखी की है? ये मेरा और पिसर का मामला है, तुम्हारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफा कहाँ थे आखिर तुम? क्या हुआ जल्दी बताओ, बताओ मुझे, परेशान ना करो। बाबा से तुम्हारी बात हुई थी क्या? जी हो गई मेरी बात। आज के बाद कभी नहीं रोएंगी आप, मैं आपको कोई जुर्म नहीं होने दूंगा। क्या किया तुमने? पापा से झगड़ा तो नहीं हो गया तुम्हारा? अगर कुछ गलत कह दिया है तुमने तो बिल्कुल देर करो, माफी मांगो जाकर। मेरे पास कुछ कहने को नहीं है उनसे। लिबास दुरुस्त रखा करो। मेरे आका, सुंबुल आका, कमरे में आओ तुम। जो हुक्म मेरे आका। जिंदगी कभी मेरे साथ नहीं हुआ, मैं अब करूं तो क्या करूं? एक ने कहा निकल जाओ, दूसरी ने कहा रुक जाओ। लेकिन आप फिर भी हुरम सुल्तान की माने रहने का कह रही हैं तो कोई वजह जरूर होगी। वालदे सुल्तान का सामना कैसे करूंगी? मलिका कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगी। कैसे आए तू? हाथ में क्या है? दाया खातून, मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, आप जानती हैं ना। ज्यादा ना हो सका आपके सफर के लिए कुछ बंदोबस्त किया है, कबूल कर लें इसको। शकर आगा, तुम ये सामान मुझे दो, क्योंकि दाया खातून कहीं नहीं जा रही, ये यहीं रहेंगी। क्या भरा हुआ इसमें भाई? बहुत भारी है। सामान है खाने पीने का। अच्छा, वालिदे सुल्तान, आपके आराम में बेवक्त मुखिल नहीं होना चाहता था मैं। मुस्तफा, कहीं उसे तो कुछ नहीं हुआ ना? हाँ, वो शहजादे तो ठीक है, अपने कमरे में है। मुझे तो आका ने भेजा है यहाँ, उन्होंने अपना अहम फैसला आप तक पहुँचाने का हुक्म फरमाया है। वो क्या है? दाया खातून अब यही महल में रहेंगी, इसके अलावा उन्हें पुराने मनसब पे भी दोबारा बहाल कर दिया गया है। मतलब क्या है इस बात का? मैं तो हुक्म का गुलाम हूँ मलिका, जानती है ना आप, यही हुक्म मिला था।
आका, वालदा सुल्तान तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरे पिसर, वसाहत चाहिए तुमसे। कब से तुम मेरे फैसलों में दखल अंदाजी करने लगे? दाया खातून का मनसब बहाल करने की बात कहां से आ गई? हरम में दखल अंदाजी ना करो। यही मुनासिब समझते? सरासर नामुनासिब है ये। मेरी खादमा का इंतखाब आखिर तुम कैसे कर सकते हो? कर सकता हूँ वालिदा, जरूरत पड़ने पर कर सकता हूँ। और मैं इसे अपनी तौहीन तसव्वुर करूंगी। मेरे वकार का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें। एक कनीज के सामने झुकाना चाहते हो मुझे? तुम्हारे सिवा कौन है मेरी सुनने वाला? हरम को कैसे संभालूंगी? वैसे भी आप हरम नहीं संभाल पा रही हैं वालिदा, वरना मुझे मुदाखलत की जरूरत क्यों पेश आती? सुंबल, बावर्ची खाने जाओ फौरन, मेरे लिए खाना तैयार करवाओ। क्या बकवास कर रही है अहमद कहीं की? चल यहां से जाके खुद काम कर अपना। मुझे हुक्म देगी? क्या कहा, होश तो नहीं खो बैठे हो तुम संबल? जो काम कहा गया वो करो, मैं कालफाओं की सरबरा हूँ। तुम खुश होते रहो बस, यही सोच सोच कर, क्योंकि आका ने हुक्म दे दिया है, दाया खातून को उनके मनसब पे बहाल कर दिया गया है। तुम्हारी हुकूमत इतनी ही थी, अब अफसोस करती रहो बस। दाया खातून, क्या कहा तुमने? मुझे इनाम चाहिए आपसे। क्या सही कहा? खुदा की मार पड़े मुझ पर अगर मैं झूठ बोलूं आपसे। होलम की वजह से कर रहे हो ना ये? वालिदा, मेरे सब्र का इम्तिहान ना लें आप। हर बार आपकी तान हुरम पर ही टूटती है, आखिर क्यों? मैं दाया खातून की आगोश में जवान हुआ हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनको इस तरह महल से निकाले जाने पर ना खुश हूं मैं। लेकिन इस तरह मेरे वक्त में कमी आएगी, मेरी परवाह ही नहीं तुम्हें। मेरे लिए एहतराम खत्म हो गया शायद। वालिदा, तुम यूं करो, मुझे ही महल बदर कर दो, जिला वतन कर दो, ताकि खेल खत्म हो जाए। बाद में हुरम को दे देना सब इख्तियारात, वो ही चलाएगी ये हरम। शायद यही चाहते हो तुम भी। वालिदा, ये नफरत अब आप खत्म कर दें। आपकी इस नफरत और गुस्से का आपकी सेहत पर मनफी असर पड़ रहा है। हुरम मेरी जौजा है और मेरे बच्चों की मां है। उसके साथ होने वाली कोई भी ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। उसे दुख देने को मैं अपनी तौहीन समझूंगा। आपको मेरा ये फैसला तस्लीम करना ही होगा और हर हाल में मेरी अतात करनी होगी। अल्लाह से बस यही दुआ है मेरी कि जल्दी मुझे मौत दे दे, ताकि मेरी जान छूट जाए। हुरम के जहन शर से तुम्हारी बर्बादी अपनी आंखों से नहीं देखना चाहती।
शहजादे गुस्ताखी माफ, आपके इंतजार में आग लग गई थी मेरी। कोई बात नहीं, बहुत कड़ी सजा की मुस्तहिक हूँ, माफ कर दे मुझे। सुनो, नाम क्या है? नौरा। मलिका। गुलाखा, तुम कहाँ थे? आका ने दाया खातून को उनके मनसब पर बहाल करने का हुक्म फरमाया है, उन्हें मुबारकबाद देने गया था। ठीक। अच्छा जरा बता, नौरा की कोई खबर है? नहीं मलिका, नौरा खातून कल रात से शहजादे के कमरे में है, अभी तक नहीं निकली। खूब है, बहुत खूब। او روشم هر لیاد ناچید که دست مدنیا سر دلت دلت زور سیر لیده وگ منگوا بود استا شروعه شازده کم سیر که خیراکه استا شازده کم، اگر ایزنم پی بدن من بروم. با کیا روید؟ من ایزنی روشنم نده. لیره للای من بمینو. پیکو نانی بیانی اخوین. पत्थर मुझको दे दीजिए। ये पत्थर नहीं है बेटे, इनसे खेलते हैं। मेरे साथ खेलें, मैं भी सीख लूंगा। ठीक है आओ खेलो। आप यहाँ बैठ जाए शहजादे। हार गए तो भागने नहीं दूंगा। इब्राहिम और आपको हरा सकता हूँ मैं, बहुत अच्छा अच्छा सवार हूँ, ये मुझसे बहुत मानूस है। ऐसा है तो फिर दिखाओ अपनी महारत। क्या अभी? जो भी शिकार सराय पहले पहुँचेगा जीत जाएगा। अगर आप जीत गए तो दोबारा नहीं खेलूंगा मैं, जाकर पाए बाग में तलवारबाजी करूंगा। अगर तुम अपनी हार से ऐसे ही फरार होते रहे मुस्तफा, तो सबक कैसे सीखोगे? कहां गलती हुई है देखो। समझ गया मैं, मगर अभी मुझे तलवारबाजी करनी है। इधर आओ। आका, मुस्तफा से कहो यहाँ आए। जो हुक्म। बादब। इब्राहिम। शहजादी। आप जा रहे हैं क्या? नहीं यही हूँ, हवाखोरी को यहाँ आ गया। हालत खराब हो गई इनकी, मरम्मत करानी होगी। बाकी की भी यही हालत है। इब्राहिम। शहजादी, पाशा अली कदर सुबह बखैर। पाली साहब कैसे आना हुआ? खैरियत तो है? आपसे एक मसले पे बात करनी थी। क्या मसला है? मतरक जी, वो ठीक नहीं है, मेरे ख्याल से निगार काल्फा का मसला है। वाली साहब उधर चलते हैं, शहजादी को इन मसलों में नहीं उलझाना चाहिए। मैं खास तौर पर सुनना चाहूंगी, आखिर हम ही ने शादी करवाई है, अगर कोई परेशानी है तो मैं भी आगाह रहना चाहती हूँ।
सुबह बखैर आपको। आपके कपड़े धो दिए हैं मैंने, साफ सुथरे हैं, पहन लीजिए। ये सब करने के लिए किसने कहा तुमसे? मैंने सोचा कि निगार खातून, मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में दखल दो तुम। मुझे दुख होता है आपको यूं देखकर नसुआ फंदी, कसूरवार समझती हूं खुद को मैं। ख्याल रखें अपना, ऐसा ना हो आप बीमार हो जाए। इससे क्या है तुम्हें, मत देखो, दूर रहो इससे। हाँ पाशा मतरकची हर शब बाजार में गुजारता है, अपने होश हवास खो बैठा है। आपकी वजह से इस हाल में आने का कहता है वो। खैर होगी इंशाल्लाह। इब्राहिम, मुझे कोई मालूमात नहीं है, लेकिन मैं उससे मिलकर मालूम करता हूँ। हाय अल्लाह, निगार तो बहुत खुश नजर आ रही थी। पाशा, आप उसके बहुत करीब हैं, उससे बात करके उसकी मदद करें, यही सोचकर खबर देने आया था। बिल्कुल बात करूंगा मैं, बिल्कुल, लेकिन ये उनका आपस का मसला है। मालूम है मियां बीवी के दरमियान दखल नहीं दे सकते। खैर जो भी है, माली साहब महल से एक संग तराज भिजवा देना, इनको मरम्मत की जरूरत है। जरूर भिजवा दूंगा, लेकिन ये काम फनकार का है, क्या वो कर सकेंगे पाशा? जरा देख लें। नेमशे से लाए कैदियों में एक संगतराश भी है, मतरकची ने बताया था, अगर आप चाहें तो उसे भेज देता हूं। आला, मतरकची से कहो उसे लेकर आए, इस तरह उससे भी बात कर लेंगे। माहे दौरान सुल्तान तशरीफ लाई हैं शहजादे मोहतरम। कहूं मैं मसरूफ हूं, बाद में उनसे मिलूंगा। मुस्तफा, अम्मी आप मुझसे क्यों मिलने जा रहे थे? आओ मेरे साथ। क्या करना चाहते हो? इतना वक्त हो गया और कमरे से भी नहीं निकले तुम। मेरा दिल नहीं चाह रहा था अम्मी, कोई मसला है क्या? आखा ने तुम्हें बुलवाया है, तैयार हो जाओ जल्दी। क्या ये उन्होंने फरमाया? क्या मतलब है? फौरन तैयार हो जाओ, उनके बुलावे पे जाने के लिए मजबूर हो तुम। मैं कुछ भी करने पर मजबूर नहीं हूँ अम्मी। कल रात जो हुआ नजरअंदाज कर दो, भूल जाओ। कुछ भी नहीं हुआ ये समझो क्या? मुझसे यही चाहती है ना? हाँ बिल्कुल, अहले खाना से कैसी नाराजगी, और तुम्हारी नाराजगी तो है भी आका से, जो कतई मुमकिन नहीं। समझ गए? अभी तैयारी करो, इसी वक्त अपने बाबा के पास जाओगे तुम। नहीं अम्मी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, कल जुमे की नमाज के लिए भी नहीं जाऊंगा। हो सकता है कि वो ये बात समझ ले कि हमें कितने दुख दिए हैं, कितने जख्म दिए हैं। तुम पागल हो गए क्या? क्या मतलब है जुमे के लिए नहीं जाओगे? जुमे की नमाज के लिए नहीं जाओगे तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगी, हर हाल में जाना पड़ेगा। मुलाकात अब खत्म हुई अम्मी, आप अपने कमरे में जाइए। मुस्तफा। अम्मी गुजारिश करता हूं मैं आपसे, गलती पे हो तुम मुस्तफा, मेरे साथ चलो। आगा,
हाँ चलो तुम भी जाओ, शाम को दोबारा आना। जैसे आपकी मर्जी शहजादे। मेरे आका मुस्तफा कहाँ है, क्यों नहीं आया अब तक? मुझे माहे दौरान सुल्तान ने इत्तला दी है कि शहजादी की तबीयत नासाज है कुछ, वो इस वक्त नहीं आ सकते, मुआफी चाहते हैं। क्या हुआ है उसे? अल्लाह उम्र दराज अता फरमाए शहजादे को। फिक्र की कोई बात नहीं है, कुछ ठंड लगी है बस। ठीक है, मेरा घोड़ा तैयार करवाओ जाकर। जो हुक्म मेरे आका। हाँ ये देखो आगे। क्या है? संभल कर खेलो गुलागा, हार जाओगे दोबारा। शुरू से खेलेंगे, चुप रहना। ओहो बस करो आगा, मुझे बहुत काम है, क्या तुम्हारे साथ में यही खेलता रहूंगा? मैंने कहा शुरू से खेलेंगे, समझे? वो कहते हैं ना, हारने वाले पहलवान का दिल अखाड़े से नहीं भरता। पहलवान क्या, कहाँ से सीखते हो ये जुमले तुम? सुमल से ना। वालदे सुल्तान का खाना तैयार है क्या शकर आगा? ओ, देखो तो कौन आया है, गुलशा खातून साहिबा। खैर तो है, कौन सी हवा ले आई है तुम्हें यहाँ? क्या कर रहे हो तुम यहाँ? क्या कहा था मैंने, क्यों बिठा रखा है तुमने इसे? वो असल में मैं यहाँ। ओ तुम क्यों बोल रहे हो, कोई वजाहत कर रहे हो? तुम्हारा क्या मसला है खातून? मैं जहाँ चाहूंगा जाऊंगा, मैं जहाँ चाहूंगा आऊंगा। अभी देखो यहाँ पर हूँ, अभी देखो वहाँ पर हूँ। फौरन जाओ यहाँ से, तुम्हें हुक्म देती हूँ। सुना तुमने शक्कर आगा? बहुत दिन से नहीं हंसा। ये बताओ तुम कौन होती हो खातून, तुम कौन होती हो? आका ने तुम्हें बरतरफ कर दिया है और आज के बाद से तुम एक मामूली सुनहरी चुहिया हो। एक मामूली सी। या सुंबला है, इसे क्या बुलाता है? कौन कहता है, क्या कहता है? मलून कहता है, चुहिया की सूरत वाली मलून कहता है। मुझसे इज्जत से बात करो, सिर्फ कनीज नहीं हूँ, अब मैं वालदे सुल्तान की खास खिदमतगार हूँ समझे, यानी उनकी सबसे करीबी खातून हूँ मैं। तुम्हारी इस बदतमीजी को उन्होंने सुन लिया तो ये अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। चलो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो, उल्टी उल्टी बातें ना करो, जाओ जिसे भी शिकायत करनी है उसे जाके कर दो शिकायत। चलो चलो चलो। तुम्हें अल्लाह गारत करे, एक दिन तो मेरे हाथ लगोगे ना? सुना तुमने शक्कर आगा, हाथ लगूंगा मैं इसके। चलो अब खेलो। पाशा मोहतरम, आंतोन, इसका बाप जर्मन मां वेनेडिक से हैं। अच्छा, मेरी भी अम्मी वेनेडिक की थी मरहुमा। इन मुजस्मों को देख चुका हूं, ये सब तो बुदिन में थे। मोहाज की जंग के बाद हम इन्हें यहां लेकर आ गए, कई साल हो गए, इन्हें मरम्मत की जरूरत है। क्या तुम कर सकते हो अंतोन? खुशी से पाशा मोहतरम, लेकिन सामान दरकार होगा। जरूर, जो भी चाहिए इन्हें मुहैया करें मतरक्ची। बिल्कुल पाशा, अंतोन का यहां ठहरने का भी बंदोबस्त करें। तुम रुको, दाया खातून कमरे में नहीं थी आप, मैं परेशान हो गई। परेशान मत हो, मैं कहीं नहीं जा रही,
आका के हुक्म से दोबारा अपने मनसब पर आ गई हूँ। ओहो रुको, क्या कर रही हो तुम? माफ कीजिएगा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। गुलशा का क्या बना? वालदा की खिदमत में होगी। मालूम है मुझे अपने पास रखना नहीं चाहती। खैर से तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अपने शोहर के साथ वक्त गुजारो। मैं आपसे मिलने आई हूँ, मुझे फिक्र हो रही थी आपकी। बाली साहब बता रहे थे तुम बाजार से बाहर नहीं निकलते। इब्राहिम पाशा ने बर्बाद कर दिया है तुम्हें, यही कह रहे थे ना तुम? गुस्सा मत हो पाशा, होश में नहीं था मैं। हम दोनों एक दूसरे के राजदार हैं मतरकची नसोफंदी। राज क्या फाश करोगे तुम? तुम पर एतमाद ना करूं क्या मैं? क्यों नहीं, ये राज मेरे साथ कब्र तक जाएगा। लेकिन लेकिन आदब, सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। मेरे आका, आपको यहां देखकर मुसर्रत हुई। इब्राहिम पाशा, तुमसे अहम बात करनी है। मलिका, खुशामदीद नौरा। अब जल्दी बताओ क्या हुआ? सब कुछ जैसे आपने कहा था वैसे ही किया। शहजादे के साथ सुबह तक रही, वो इतने खुश हुए कि शाम को दोबारा बुलवाया है मुझे। आफरीन। एक और बात कहनी थी मलिका, शहजादे के साथ नाश्ता करते हुए माहिर दौरा सुल्तान आई थी, वो उन्हें अपने साथ दालान में ले गई। काफी गुस्से में नजर आ रही थी, मैंने सुनना चाहा। हाँ क्या था मसला? आका ने बुलवाया था शहजादे को, लेकिन वो नहीं गए और कल जुम्मे की नमाज के लिए भी नहीं जाएंगे। इस खबर का पूरा यकीन है तुम्हें? अपने कानों से सुना है मैंने। आफरीन नवरा, तुम ऐसा करो सहन में जाओ, हरगिज किसी को नजर ना आना। वालिदा, मुझे याद फरमाया आपने। आओ मुस्तफा, यहां बैठ जाओ। लगता है अम्मी ने शिकायत की है आपसे कोई। बाबा को नासाजी तबाह का बताया है। खैर ये मामला तो संभल जाएगा, लेकिन कल जुमे की नमाज में तुम्हें हर हाल में जाना होगा। उनसे कह दें कि तबीयत नासाज है। ऐसी जुर्रत? तुम्हारे सामने इस जहां का सुल्तान है मुस्तफा, तुम ये भूल रहे हो? फौरन जवाब दो मुझे। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मेरा फैसला अटल है, मैं नहीं जाऊंगा। होश में आओ मुस्तफा, तुम्हें वहां जाना ही होगा। तमाम पाशा वुजरा सब वहां होंगे। बाबा के सामने बगावत का मुजाहरा कर रहे हो, सब ये समझेंगे। हरगिज नहीं, मेरी ऐसी कोई नियत नहीं है। होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम वहां नहीं गए तो ये ऐसे ही लगेगा मुस्तफा। बाबा भी एक आका होने के नाते इस पर खामोश नहीं रहेंगे। तुम कभी भी ऐसी फाश गलती मत करना जिसकी तलाफी ना हो सके। कह चुकी हूँ मुस्तफा, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। महिदौरा, कुछ भी करो उसका फैसला बदलवाओ, बसूरत दीकर ये कयामत खेज होगा। कोई परेशानी है? बहुत गुस्से में लग रहे हो। सुबह से सब एक ही बात समझा रहे हैं मुझे, अब तुमसे नहीं सुनना चाहता हूं मैं। ठीक है, वो बात नहीं करूंगी,
वही करो जो मुनासिब लगे तुम्हें। मुस्तफा, वालदा सुल्तान जाने की इजाजत नहीं दे रही मुझे, तुम बात करो ना उनसे। मुझे लगता है फिलहाल मेरी बात नहीं मानेंगी वो, लेकिन वापस क्यों जाना चाहती हूँ, यहाँ दिल नहीं लग रहा तुम्हारा? हाँ मुस्तफा, मैं उकता गई हूँ यहाँ से, बहुत हो गया, अपने महल में भी इतने अरसे तक कभी बंद होकर नहीं रही। चाहो तो बाहर चल सकती हो मेरे साथ, वैसे भी इन कपड़ों में तुम लड़कों की तरह दिखती हो, किसी को पता नहीं चलेगा। छोड़ो ना ये मजाक, यहाँ से फरार करवा दो ना। क्या? एक जहाज का बंदोबस्त करके किरण भिजवा दो मुझे। समझ गई, ये तुम्हारे बस की बात नहीं। मेरे ख्याल से बाली साहब से बात करो तुम, वो किसी भी तरह भेज देंगे तुम्हें। बाली साहब बहादुर, निडर और भरोसेमंद सिपाही है। हैरत है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। तुमने जो खूबियां बताई वो बिल्कुल नहीं दिखी बाली साहब ने। मुकर्रब खास मलिका, इब्राहिम पाशा कहाँ है? वो तो अभी नहीं है, कोई खास बात थी? मैं मदद कर सकता हूँ? इब्राहिम पाशा से कुछ बात करनी है। कोई बात नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। आका शहजादे मुस्तफा की इस खता पर उनकी हिमायत मुमकिन नहीं है, लेकिन वो एक नौजवान शख्स है, उनका लहू गर्म है, खता पर शर्मिंदा होंगे, जल्द ही माफी भी मांग लेंगे। एक मर्द की तरह मेरे पास आकर अपनी खता मान ले, मुझे कोई एतराज नहीं होगा, जब तक वो एहतराम करता रहेगा तब तक कोई मसला नहीं होगा, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मेरी औलाद बिल्कुल भी मुनाफकत से काम नहीं लेती। क्या इस बार आपको कोई ठेस पहुंची? मैं गुस्से में आ गया था पारगली, मैं अपने ही खून मुस्तफा को नुकसान पहुंचाने वाला था, मुझे खौफ महसूस हुआ था, डर गया था अपने गुस्से से, मैं अपने वालिद की तरह अपनी ही औलाद को जहर नहीं देना चाहता, बिल्कुल कभी नहीं। आप ये नहीं कर सकते, आका शहजादे का गुस्सा और एहतराम भी आप जैसा है, आपका खून है उनकी रगों में भी, मगर यकीन रखें वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अपने खून को तो कभी भी नहीं, बिल्कुल आपकी तरह। मुकर्रब खास, आका हरम में इस वक्त नहीं है, आप बाद में जाइएगा। मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे जाना है, कोई मसला है क्या? एलेनिका के पास जा रहे हो? आई बिगे खातून, मैं चाहती हूँ कि मेरी मदद करो, तुम फरार करवा दो।
शहजादे। आओ नोरा। जादू कर दिया तुमने मुझ पर, अब तक होश में नहीं। तुम्हें देखते ही दिल धड़कने लगता है मेरा। मैं आपकी गुलाम हूं शहजादे, आपकी कनीज हूं, आपके लिए ही बनाई गई हूं। एक जहाज का बंदोबस्त करवा दो, वापस चली जाऊं अपने वतन। नामुमकिन है ये सब। क्या हुआ, तुम डर रहे हो? मैंने पहले भी कहा था कि किसी से भी नहीं डरता हूं मैं। तो फिर चलते हैं हम। फजूल बातें मत करें। क्या हुआ? क्योंकि आप मुझे बतौर अमानत दी गई हैं। छोड़ो ये बातें, हकीकत बताओ, फरार नहीं करवाना चाहते ना मुझे, उसे जुदा नहीं होना चाहते ना? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर तुम डरते हो यकीनन। क्या सबूत चाहिए आपको इस बात का कि डरता नहीं हूं मैं? صار حسا كم مثال مشان يسلمني मुस्तफा के रवैये के मुतालिक सोच रहे हैं? जो भी हुआ बुरा हुआ, मुझे हैरत है कि वो नाफरमानी कैसे कर सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? कल वो नमाज जुम्मा के लिए आपके हमरा नहीं जाएगा। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? हरम में हर कोई बातें कर रहा है। मैं ये सोच भी नहीं सकता, मुस्तफा कभी ऐसी कोताही नहीं कर सकता। मैं भी नहीं सोच सकती, लेकिन अगर कोई उसे वरगला रहा है तो फिर बस ये सोचकर ही डर लगता है मुझे। ये आपके मुकाबले आने के मुतरादिफ होगा। शहजादी, माहे दौरा, गुल्फा, कितना अच्छा किया जो आ गई। मैं बहुत उदास हो रही थी। शहजादी, बच्चे कैसे हैं? बहुत याद आती है उनकी। बिल्कुल ठीक है, बहुत प्यारे हो गए हैं। पाशा नहीं है क्या? इस वक्त तो वो महल में होते हैं। वहां तो नहीं है, मैं मिलना चाहती थी लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं आए। काम में मसरूफ होंगे, आ जाएंगे थोड़ी देर में। आओ ना बैठो, मैं जरा बच्चों को देख लूं। क्या हुआ माहे दौरा, क्या बात करनी है इब्राहिम से?
पाशा, तबीयत ठीक नहीं है नसू अफंदी की। बात की है, खबर है मुझे। मैं खुद को कसूरवार समझती हूं, शर्मिंदगी महसूस करती हूं। तुम ये सब मत सोचो बिल्कुल, मैं ढूंढ लूंगा कोई हल। काश के आप आज ना जाएं, दूरी बर्दाश्त नहीं होती। और भी कुछ खा लिया ना? बस इतना काफी है। आई बीगे खातून आई हैं, आपसे मुलाकात की मुंतजर हैं। आने दो। आका, मलिका, माजरा चाहती हूँ, आपके दरमियान मुखल हुई। कोई बात नहीं, कैसे आना हुआ? जानती हूँ आप इनकार कर देंगे, लेकिन इसरार से कहती हूँ मैं, मुझे रुख्सत दीजिए, बाबा के पास लौटना चाहती हूँ। आई बेगी, क्यों जा रही हो? यहीं पे रहो ना हमारे साथ। मैं दोबारा आ जाऊंगी मलिका, अभी जाने दें। क्या इतनी शदीद ख्वाहिश है जाने की? अगर ऐसा ही है तो फिर मैं जरूरी तैयारी का हुक्म दे देता हूँ, जल्दी रवाना हो जाना तुम। बहुत शुक्रिया मेरे आका। जा सकती हो तुम। मुस्तफा जवान हो गया है, तुम परेशान ना हो इन बातों से, वो जरूर जाएगा इंशाल्लाह। कहाँ है अभी? अपने कमरे से निकलता ही नहीं, कनीजों में से एक पर बुरी तरह फरीफ्ता हो गया है, दो दिन से उसके साथ हैं। वक्त कैसी तेजी से गुजर रहा है। शहजादी, इब्राहिम, खुशामदीद। कैसे हैं आप? पाशा, कहाँ हैं आप? आंखें आपकी राह देख रही हैं। खैरियत तो है, कोई मसला है क्या? मुस्तफा के बारे में बात करना चाहती हूँ, जानते ही हैं वो सिर्फ आप ही की बात मानता है। बस बहुत हो चुका मतरकची। अभी कहां साहब, और चाहिए? आगा, मेरे लिए एक और कूजा लाओ। क्या हाल बना रखा है? तुम्हें ये सब जेब नहीं देता, देखो तुम्हारे कदम भी साथ नहीं दे रहे। नहीं, देखो देखो पाली साहब, अभी चल के दिखाता हूँ, देखो अभी चलता हूँ। उठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ो। नहीं रुको, उस घर में मेरे लिए कोई कशिश नहीं है, नहीं जाना चाहिए। चलो ना साहब, साहब गुजारा समझें। आप घबराएं मत मलिका, मैं कल सुबह ही जाकर खुद बात करता हूँ शहजादे मुस्तफा से। और अगर वो ना माना तो फिर हम क्या करेंगे? दुआ करे कि वो मान जाए, वरना मैं भी उन्हें बचा नहीं सकूंगा। अल्लाह ना करे। इब्राहिम, कहो तो मैं भी साथ चलूं तुम्हारी। कोई जरूरत नहीं शहजादी, मैं अकेला ही उनसे बात कर लूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत देर हो गई मलिका, अब हमें चलना चाहिए। शब बखैर।
इब्राहिम कहाँ थे? आज तो महल भी नहीं गए तुम। हुकूमती मामला है शहजादी, एक अहम इजलास था बाहर। रात के वक्त ऐसा कौन सा काम था? मुसलसल देर से आने लगे हो इब्राहिम, तुमको हमें ज्यादा वक्त देना चाहिए था। सीनियर ग्रीति से मिलने गया था मैं, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रही हैं मुझसे, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी फिक्र हो रही थी, जब तुम नहीं होते खुद को अकेला महसूस करती हूँ।